पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हर रोज हजारों लाखों पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राम भरोसे है। पूरे शहर का सबसे बड़ा आवागमन वाला कैंट रेलवे स्टेशन है, बावजूद इसके कोई भी सुरक्षा कर्मचारी मौजूद नहीं है। स्टेशन के बाहरी और प्रवेश करने वाले गेट पर कोई भी एक्सरे मशीन नहीं है। आपको बता दें कि वाराणसी शहर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कैंट ही है, जहां से देश के प्रमुख शहरों के लिए गाड़ियां मिलती हैं। हाँ, अभी वाराणसी स्टेशन पर है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कुछ दिख नहीं रहा है। स्टेशन के अंदर जो मुख्य एंट्री का गेट आपको नजर आ रहा है, वहाँ पे कोई पुलिस वाला या कोई एक्सरे मशीन वगैरह दिख नहीं? नहीं, कुछ नहीं लगाए हैं। अच्छा, और भी स्टेशनों के आप बाहर के प्रदेशों में जिलों में जाते होंगे तो इंतजामात देखने को मिलता है। हाँ, इधर के इंतजामात में और इधर के इंतजामात में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? बहुत अंतर है, दिल्ली का अलग है, मुंबई में भी सब मशीन लगा हुआ है कि आदमी जो भी सामान ले जाते हैं उसके अंदर रखिए, ट्रॉली के अंदर मशीन में चेकिंग हो जाती है। आप बनारस आए हुए हैं, बनारस इस समय पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। हाँ, उस हिसाब से बनारस की सुरक्षा व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे हैं प्रशासन से एक सुरक्षा व्यवस्था बनाइए, एक्सरे मशीन लगवाइए यहाँ पर कि आने जाने वाले सभी को दिक्कत भी नहीं हो, सुरक्षित रहे बनारस वाले भी। वहीं जब इस मामले में जीआरपी के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही कर्मचारियों की तैनाती का आश्वासन दिया है। आजकल देव दीपावली के मद्देनजर प्लेटफार्मों पर चेकिंग की जा रही है, इसमें संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, विस्फोटक पदार्थ, चूँकि कई बार विस्फोटक का भी यहाँ आया है। उधर जौनपुर में भी श्रमजीवी विस्फोट 12-13 साल पहले हुआ था, उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग, और देव दीपावली जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है, इसको देखते हुए हम लोग चेकिंग करते हैं। उसमें चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, विस्फोटक पदार्थ आदि को मद्देनजर रखते हुए चेकिंग करते हैं। सर, किस तरीके से होती है ये चेकिंग? क्या एंट्रेंस और एग्जिट पे आपके यहाँ चेकिंग के लिए गार्ड मौजूद रहते हैं? हाँ, एंट्रेंस और एग्जिट पर भी हम लोग करते हैं, प्लेटफार्म पर भी करते हैं, ट्रेनों में भी करते हैं। अधिकारी तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम के दावे कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की इस लापरवाही का आखिर असली जिम्मेदार कौन है? पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी जिस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन किसी दुर्घटना के इंतजार में बैठा है। देखना होगा कैंट रेलवे स्टेशन पर कब तक सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। पंजाब केसरी के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।